और ये रन है यार दोस्तों, देख सकते हैं नजारा, बहुत ही चहल पहल है यहाँ और बारिश का समय है तो कुछ ज़्यादा चहल पहल है। हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग को मेरे नए वीडियो पर स्वागत। दोस्तों आज मैं आया हूँ दुमका, और दोस्तों आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा दुमका का बस स्टैंड। तो देख सकते हैं गैज, देखिए ये रहा दुमका का बस स्टैंड, देख सकते हैं ये फ्रंट गेट है, कितना सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। अब बहुत सारा गाड़ी यहाँ लगा हुआ है चारों बगल, देख सकते हैं गैज चारों बगल, देखिए गाड़ी है चारों बगल, गाड़ी आ रही है जा रही है। और देखिए इधर चल गया पाकुड़ साहेबगंज, और इधर चल गया गोड्डा, और ये रहा नया दोस्तों, देख सकते हैं नज़ारा, बहुत ही चहल पहल है यहाँ और बारिश का समय है तो कुछ ज़्यादा चहल पहल है। देख सकते हैं बस लगी हुई है चारों बगल। हमको भी दोस्तों गोड्डा जाना है, तो गोड्डा के लिए बस इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए कब तक बस आती है, बस हमको चढ़ना है। और देखिए गजब का नज़ारा है। और गैज यहाँ ऑटो वगैरह पूरा बढ़ चुकी है चारों बगल, देख सकते हैं टोटो ऑटो और ज़्यादा संख्या में है। और आपको दिखाते हैं यहाँ, देखिए दोस्तों यहाँ बिरयानी का भी दुकान वगैरह बहुत है, देख सकते हैं चारों बगल दुकान ही दुकान दोस्तों, कलकत्ता बिरयानी, इंडियन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, देखिए। अब दोस्तों अब मैं आगे को जाता हूँ, देखते हैं क्या क्या है वहाँ और सब चीज़ दिखाएंगे आपको यहाँ। हाय कर दीजिए, ठीक। और दोस्तों देख सकते हैं इधर टायर वायर दुकान लगा हुआ है चारों बगल, देख सकते हैं गाइस दुकान ही दुकान है। तो क्या भैया बताइएगा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आप कैसे हैं? अच्छा, आप लोग क्या है यहाँ, मतलब क्या करते हैं बताइएगा परिचय? ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। ड्राइविंग करते हैं ना? अच्छा, तो कैसा है, कैसा चल रहा है अभी? अभी बहुत खराब है, और खेती बाड़ी हो भी नहीं रहा है। अगर पानी तो पड़ रहा है ना? आ रहा है, बीच बीच में आ रहा है, बीच बीच में छोड़ दे रहा, कुछ भी नहीं है, गरीबी स्थिति में जी रहे हैं। आप कुछ बोलिएगा भैया यहाँ के बारे में, इस बस स्टैंड बारे में कुछ बताइए, कब से है, क्या है? ये तो बोल नहीं पाएंगे, नहीं आइडिया है आपको है भैया, कुछ आइडिया है? हम तो जब से देख रहे हैं तब से स्टैंड है, वहाँ पर पहले था, लेकिन अब कौन सा साल में बना ये मालूम नहीं है। आप चला गया, दो बस स्टैंड है ना? हाँ, एक सरकारी है और एक तीन बस स्टैंड है। अच्छा भैया जी बोले तीन बस स्टैंड है, एक सरकारी बस स्टैंड है और एक प्राइवेट बस स्टैंड। मिनी सरकारी प्राइवेट ना, प्राइवेट है, मिनी बस स्टैंड है और उसके पीछे में